हाय यूट्यूब, मैं अविनाश श्रीवास्तव और स्वागत है आपका अपने अपने चैनल प्रोग्रामिंग टेक ट्यूटोरियल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि बल्क इंसर्ट कैसे किया जाए, एक साथ बहुत सारे डेटा को आप इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और इसका यूज कहाँ पे होता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल की एक खासियत है कि आपको जो भी सिखाया जाता है उसका पहले आपको यूज बताया जाता है कि एक्चुअली उसका यूज कहाँ पे होता है, क्यों आपको वो सीखना है। तो इसमें हम देखेंगे कि एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि बल्क इंसर्ट मतलब कि आप एक साथ बहुत सारे डेटा यानी बहुत सारे रो को आप एक साथ एक टेबल में आप इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं कि मान लीजिए कि आप एक सेल्स ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं किसी आइटम का। ठीक है, सेल्स ऑर्डर जनरेट करने के लिए क्या होता है, कस्टमर का आपको इंफॉर्मेशन देना होता है। चलिए वो एक हो गया, आपका मेन हो मेन मेन चीज हो गया। दूसरा होता है कि एक कस्टमर में भी 40, 30, 20 कितनी भी आइटम ले सकते हैं, अलग अलग आइटम। तो कस्टमर का जो वहां पे हम ऑर्डर लेंगे तो वहां पे होता है कि एक कस्टमर का इंफॉर्मेशन तो हमारे टेबल में जाएगा ही जाएगा, उसके साथ वो जितना आइटम को परचेज किया है वो एक साथ इंसर्ट करेगा टेबल में। ठीक है, तो आपको इसी के बारे बात करने के लिए, चलिए क्या होगा कि बर्क इंसर्ट एक्चुअली दो तरह से होते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर लूप घुमा के फॉर लूप के थ्रू कर सकते हैं, बट फॉर लूप में बहुत सारे इशू आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो वो ज्यादा यूज नहीं होती है। ठीक है, और हम करेंगे जैसे टेबल टाइप का यूज करके। आप इस ट्यूटोरियल में आप टेबल टाइप भी सीख जाएंगे और मैं एसपी का यूज करूंगा, टेबल टाइप और एसपी का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, आप हमारे चैनल पे नए हैं, प्रोग्रामिंग टेक ट्यूटोरियल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड करके आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाए। हाँ, और पूरा वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सभी वीडियो का आपको ये ऑल पे क्लिक करके रखना होगा। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखे तभी आपको समझ में आएगा कि ये प्रोसेस होता क्या है। अगर आपको कोडिंग कुछ चाहिए किसी चीज का कोडिंग, तो आपको हमारे ब्लॉग पे आप विजिट कीजिए, ब्लॉग पे सभी कोडिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो देख जैसे मैंने ये डेटा स्टैटिक बाइंड किया हूं पेज से, मैं आज बताता हूँ। मैं इसमें सिर्फ इसका रेट पुट करूंगा और बल्क इंसर्ट करूंगा यानी सबमिट करूंगा। तो इसमें मैंने किया क्या है, अब देख लीजिए पहले ये कैसे हुआ। एक मैंने रेट लिया हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं एक डेटा टेबल यहाँ पे बनाया हूँ, डेटा टेबल ठीक है, जिसका आईडी नेम टाइप है, उसमें मैं 5 रो इंसर्ट किया हूँ। ठीक है, और उसको मैं ग्रिड में बाइंड कर दिया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि अब इसको कैसे किया जाए नेक्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो बटन है, बटन का हम इवेंट फायर करेंगे। ठीक है, हमारा बटन का एक इवेंट फायर हो गया। तो एक्चुअली हम ये डेटा जो अपने सिक्वल सर्वर में सेव करने वाले हैं, डेटाबेस में सेव करने वाले हैं, तो हमारे पास जो टेबल है वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे आपको एक टेबल मिलेगा वर्क इंसर्ट बोल के। ठीक है, इसमें मैं देखता हूँ कि डेटा है कि नहीं। इसमें डेटा एक्चुअली नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। इसमें सिर्फ आईडी है जो ऑटो इंक्रीमेंट है, टाइप्स है और नेम है और प्राइस है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इस ग्रिड से जो हमारे पास ग्रिड है इसमें मान लीजिए कि कोई वैल्यू इतना ऐसे करके रखा। ठीक है, तो
सबसे पहले हमें एक टेबल में पूरा वैल्यू को उठाना होगा ग्रिड से। तो ग्रिड से टेबल में वैल्यू उठाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ग्रिड ग्रिड के ऊपर में एक फॉर लूप का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए फॉर इच लूप, फॉर इच का यूज कर रहे हैं हम। ग्रेड भी का रो का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसमें से मेरे जो ग्रेड है उसका रो पे हम चला रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जितना हमारे पास ग्रेड में आइटम होगा उतना बार ये फोर इच लूप घूमेगी। ठीक है, अब घूमने से पहले हमें एक टेबल जो बनाना है वो टेबल का हेडिंग चाहिए। तो मैं जस्ट इसी को कॉपी कर देता हूं ताकि मुझे ज्यादा कोड लिखना ना पड़े। तो मैं यहां पे इसे पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, और इसमें एक कॉलम को और ऐड करता हूं। जिसका प्राइस होगा और मुझे आईडी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑटो इंक्रीमेंट आईडी जनरेट होगी। अब करना क्या है, मुझे प्रत्येक रो से फाइंड करना होगा। तो जैसे मैं यहां पे एक रो जनरेट करूंगा, डीआर इक्वल टू टीटी के अंदर में मेरा रो जनरेट होगा। ठीक है, अब ये डीआर में हमारे पास जो यहां से वैल्यू में उठाऊंगा नाम का, तो यहाँ नाम का वैल्यू उठाने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो मुझे मैं फाइंड करूंगा एक्चुअली नेम का वैल्यू हमारा लेवल में है, तो लेवल, उसके बाद जो भी हमारा ग्रिड का नाम है फाइंड कंट्रोल हमें किसको फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है वो हमारा है एलवी नेम। ठीक है, ये किस तरह का होगा वो एक्चुअली इसका जो फेज होगा वो लेवल होगा। ठीक है, और इसमें से हमें क्या वैल्यू चाहिए था, तो हमें टेस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, आप देख लीजिए कि इसको देखना कैसे है, पहले आपको फाइंड करना है। ठीक है, यहां तक आपका हो गया, और उसके बाद देखिए कि आपको क्या चाहिए, क्या है आपका फील्ड, आपका फील्ड यहाँ पे जो है वो आपका लेवल है। ठीक है, उसके बाद हमको उसमें से टेस्ट चाहिए। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। फिर उसके बाद हमें यहां से टाइप का वैल्यू चाहिए, जो जो फिर से हमारा लेवल में ही है। फिर उसके बाद हमारे पास रेट चाहिए, जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में है। ठीक है, सो यहां पे हमारा प्राइस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा टाइप हो जाएगा। और सेम काम करूंगा मैं यहाँ पे, जब भी मेरा डीटी डीआर में वैल्यू आएगा उसको ऐड कर दूंगा मैं डीटी में। ठीक है,
हमारा सभी वैल्यू डीटी में आ चुका है। अब मैं इसे अब एसपी में सेंड करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको सेंड कर लेते हैं। आईटीआई मैं डायरेक्ट सेंड कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे सिक्वल्स कनेक्शन न्यू सिक्वल कनेक्शन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर आपको अगर ये आप नहीं जानते हैं ये इसका लिखने तो आप हमारे वेब कॉन्फ़िग का वीडियो देख लीजिए, वहां पे आपको सभी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास मैं किससे लिंक कर रहा हूं, तो मेरे पास डेमो बोल के इसका नाम है, ठीक है। सो मेरा सिक्वल का कनेक्शन हो चुका है, अब मुझे सिर्फ वैल्यू को पास करनी है। सो एसक्यूएल कमांड सीएमडी इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। तो मैं यहाँ पे मेरा एसपी यहाँ पे मेरा एसपी का नाम जाएगा और यहाँ पे कनेक्शन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ये इसको स्टोर प्रोसीजर यूज करूंगा। कमांड टाइप यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे मेरा पैरामीटर भी जाएगा क्योंकि मेरे पास डीटी में जो है पैरामीटर है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं पैरामीटर ऐड कर रहा हूँ। मैं जस्ट इसका नाम डेटा एडिट माई डेटा दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं डीटी का वैल्यू को भेज रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सीएमडी जस्ट डॉट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट नन क्यूरी। उससे पहले मैं अपना कनेक्शन को ओपन करूंगा और इसके बाद मैं कनेक्शन को क्लोज करूंगा। ठीक है, तो इस डेटा को ये डेटा किसी वेरिएबल पर रिसीव नहीं होगा, तो इस डेटा को रिसीव करने के लिए मुझे एक टेबल टाइप बनाना होगा। और टेबल टाइप बनाने समय एक आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। आप जाएंगे यहाँ स्टोर प्रोसीजर में टेबल टाइप बनाने के लिए प्रोग्रामेटिक, उसके बाद टाइप्स, फिर वहाँ पे यूजर डिफाइंड टेबल टाइप लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नया यूजर डिफाइंड टेबल टाइप क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख लीजिएगा कि आप इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं डिटेल रख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। बट
आप यहाँ पे जो आपका कॉलम का नाम है सेम वही होना चाहिए और सेम डेटा टाइप होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका गलती होता है तो आपको डेटा सेव करने में आपको एरर दे देगा। सो हमारा ये यहाँ पे मैं नाम, सबसे पहले नाम हमारा हो गया जो एनवेयर केयर में होगा, एनवेयर केयर, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया हो तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेगा। ठीक है, मैं इसको क्रिएट करता हूँ। मेरा और टेबल टाइप एक्चुअली मेरा क्रिएट हो चुका है, क्योंकि जो ऊपर का एरर बता रहा था वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब मैं एक नया एसपी लिखने वाला हूँ, जिसमें आप एसपी कैसे लिखते हैं, मैं एक्चुअली मैंने ये अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूँ, फिर भी मैं इसमें आपको बता देता हूँ। आप जो यहाँ पे आपको जो चालू करना है, आपको यहाँ पे अपना एसपी का नाम देना है, ठीक है। एसपी इंसर्ट बल्क, मैं कुछ भी दे रहा हूं। उसके बाद आपने यहाँ पे जो डेटा वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वो वेरिएबल यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जो डेटा टाइप टेबल टाइप डिक्लेयर किए हैं वो आपको यहाँ पे आएगा, और इसको आप रीड ओनली करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं अपने डेटाबेस को लूंगा, जिसमें इंसर्ट इनटू मेरा जो भी टेबल का नाम है, आपका ये, ठीक है, जिसमें मेरा होगा आपका नेम, टाइप और प्राइस, ठीक है। आप जो वैल्यू लेंगे वो सिलेक्ट करेंगे, कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो आप इसमें से जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उसमें से सिलेक्ट करेंगे। सेम सेम आपको मिल जाएगा नेम टाइप, फिर उसके बाद प्राइस, ठीक है। तो मेरा स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। चलिए अब हम डेटा सेव करके एक बार देख लेते हैं कि हमारा डेटा सेव हो रहा है कि नहीं, फिर मैं एक एक करके आपको कोडिंग पूरा बता दूंगा, ठीक है। मैं इसे फिर से रन कर देता हूँ।
ठीक है, ये प्रोग्राम रन हो रहा है। ओके, आपको अगर वीडियो पसंद आता है, हमारा तरीका पसंद आता है पढ़ाने का, तो आप काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप कुछ आपका लाइक आपका कुछ रिव्यू है, आप कमेंट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली एरर आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं दिया हूँ। ओके, तो हम चेक करते हैं कि मेरे डेटा टेबल में वैल्यू आया हुआ है कि नहीं। ठीक है, देखिए हमारे डेटा टेबल में वैल्यू आ चुका है। अब मैं आगे इसको देखता हूं कि ये सही से इंसर्ट हो गया कि नहीं देता। स्टोर प्रोसीजर पास नहीं किया हूं, उसे भी पास करना होगा। ओके, डेटा सेव हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल में डेटा आया है कि नहीं। ओके, तो हमारे टेबल में डेटा आ गया है। तो देख, जैसे आपने देखा कि यहाँ मैं यहाँ तक मैं मैंने डेटा टेबल में वैल्यू ऐड किया हूँ ग्रीस से फोरिच लूप को चला के। ठीक है, उसके बाद मैंने कनेक्शन किया हूँ अपना सीक्वल सर्वर से। उसके यहाँ कमांड में मैंने स्टोर प्रोसेसर का नाम उसके साथ कनेक्शन पास किया हूँ। कमांड टाइप हमारा स्टोर प्रोसेसर है क्योंकि मैं स्टोर प्रोसेसर का यूज कर रहा हूँ। पैरामीटर हमारा एक ही है जिसमें मैं डीटी को पास कर रहा हूँ, जो हमारा डेटा टाइप डेटा फील्ड है। और जैसे आप जब कभी भी डेटा टेबल को एज ए पैरामीटर पास करते हैं, तो उस समय उसको आपको टेबल टाइप के थ्रू ही आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने जस्ट यहाँ पे एसक्यूएल नॉन क्वेरी करके अपना डेटा को इंसर्ट किया हूँ। तो आज का वीडियो में हमारा इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो डालूं वो वीडियो आपको टाइम पे आपको मिल पाए और उसका बेनिफिट उठा पाए। और कुछ आपका क्यूरी है, कुछ भी सजेशन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।